अमेठी से बड़ी खबर, 25 साल के नौजवान को बदमाशों ने मारी गोली, गोली लगने से भरत शुक्ला हुआ घायल। अमेठी कस्बे के रायपुर फुलवारी का रहने वाला है भरत शुक्ला। बदमाशों ने कनपटी में सटा कर मारी है गोली, सरेआम गोली मार कर फरार हुए बदमाश। गोली लगते ही घायल होकर गिर पड़ा भरत शुक्ला। घायल भरत शुक्ला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में भरत शुक्ला की हालत है गंभीर। अमेठी थाना इलाके के रेलवे फाटक का है मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेठी थाने के रेलवे फाटक के पास से आ रही है, जहां 25 साल के नौजवान को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से भरत शुक्ला नाम का युवक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल भरत अमेठी कस्बे के रायपुर फुलवारी का रहने वाला है। आपको बता दें कि बदमाशों ने भरत की कनपटी में सटाकर गोली मारी है और सरेआम वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बहुत इत्मीनान के साथ फरार भी हो गए। आनन फानन राहगीरों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत संजीदा बनी हुई है। पूरा मामला देखिए, आज 18 जुलाई 2023 थाना अमेठी अंतर्गत एक रायपुर फुलवारी गांव में का रहने वाले एक भरत शुक्ला है, लगभग 20 साल का है। वो रेलवे क्रॉसिंग का गेट के लिए खड़े होकर वेट कर रहा था खुलवाने के लिए। उस समय 3 अज्ञात लोग आगे उनको गोली मार दिए थे, जिसमें उन्होंने गंभीर रूप से घायल हुए। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हायर ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।